नमस्कार दोस्तों, RN5 की सर्विस में आपको स्वागत है। मैं हूँ राजू पायक। आज आपका सेटलमेंट कैसे करना है हम आपको सिखाते हैं। बहुत सारे दोस्तों को ऐसा प्रॉब्लम आया है जो अपना पैसा सेटलमेंट बराबर नहीं कर पा रहे हैं। उनको उन सब भाई ने मेरे को रिक्वेस्ट किया है कि कोई एक वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। आप पहले RN5 सर्विस में जाके लॉग इन करके अपना रिटेलर ID और पासवर्ड डाल के लॉग इन करें। लॉगिन करने के बाद आपका पेज ऐसे खुल जाएगा। इधर आता है सेटलमेंट। सेटलमेंट में जाके आप सेटलमेंट में ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अगर सिलेक्ट बैंक या फिर नेम ऑफ अकाउंट ऑन अकाउंट है, इसके ऊपर अगर कुछ भी लिखा हुआ आता है लाल कलर का, तो उस दिन आप गलती से भी सेटलमेंट मत करिए। क्योंकि इधर सेटलमेंट करने के टाइम क्या होता है, आपका पैसा फंस जाता है। और दूसरी बात, आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद IMPS स्टेटस रहता है, इसके इधर अगर जो अप लिखा हुआ है, ये अप अगर नहीं हो के दूसरा कुछ भी लिखा हो, तो आप गलती से भी सेटलमेंट ना करिए। इसमें क्या होगा, आपका पैसा फंस जाएगा। आखिर दिन में आप जो 40-50 हज़ार रुपया जो लेते हैं कस्टमर से, वो तो आप कैश दे देते हैं। बाद में आप जब इधर से परचेस करेंगे, आपका पैसा फंस जाता है। तो आपको मिलेगा 3-4 दिन बाद बैंक में मिलेगा। अभी 3-4 दिन आपको बैंक में से मिलेगा, तो आपका काम भी बंद हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आपको जब भी ये दिखाई दे लाल कलर का कोई भी ऑप्शन, या तो भी इसमें क्या होता है, लाल कलर का ऑप्शन इसलिए रहता है क्योंकि इसमें कोई अपडेट रेट चालू रहता है, तो लाल कलर का ऑप्शन आ जाता है या फिर सर्वर डाउन हो जाता है। आपके पास अगर नया कुछ डालना है, कोई नया अकाउंट में अगर पैसे डालना है जो आपका पहले से सेटलमेंट किया हुआ नहीं है, तो आप क्या करते हो, इधर जाके अपना बैंक सेलेक्ट कर देना है, आपका नाम लिखना है, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल के ऐड अकाउंट मार देना है। या तो फिर आपका जो अकाउंट दिया हुआ है पहले से, उसमें आप जाके सिलेक्ट कर ले इधर, और एंटर अमाउंट डाल के कंफर्म सेटलमेंट में कर लीजिए, तो आपका पैसा सेटलमेंट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको RN5 की रिटेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर ID चाहिए, तो हमें कॉन्टैक्ट करें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दिया हुआ रहेगा, आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आशा है आपको थोड़ा बहुत आसान हो जाए। धन्यवाद।